देखिए, मेरा नाम गौतम खट्टर है और आज हरिद्वार में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो उत्तराखंड में आंदोलनकारियों ने, क्योंकि आज खटीमा बरसी भी है, खटीमा गोलीकांड की बरसी भी है, 7 आंदोलनकारी आज ही के दिन शहीद हुए थे, तो ये जो भर्ती घोटाला हुआ है, ये जो बंदरबांट हुई है विधानसभा में, और एक भर्ती नहीं है, अनेकों तरीके की, इसी तरह वन में भर्ती हुई और अनन्य जेई एई ऊर्जा निगम में भर्ती हुई, इसमें और विशेष तौर पर UK SSSC ये विधानसभा में जो बैकडोर डोर से एंट्री दी गई, और इसमें ये जितने नाम शामिल हैं, ये इन नामों में वो नाम है जो उत्तराखंड के सांसद, विधायक, मंत्री, उनके करीबी, उनके भांजे, उनके भतीजे, उनके बेटे, उनके भाई, ये शामिल हैं, और ख़ास तौर पर उनके PRO, उनके OSD। तो ये कैसे हो गया, ये कैसे धांधली हो गई? इसमें मुख्यमंत्री के OSD भी हैं, इसमें मदन कौशिक जी के भी हैं, इसमें सभी विधायकों के, सांसदों के हैं, ये विषय है। और ये उत्तराखंड सरकार में ऐसे भर्तियाँ होती हैं, देखिए कैसे भर्तियाँ होती हैं, देश भर में किस तरीके से भर्ती होती है, क्या प्रारूप होता है, सब जानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे विधानसभा अध्यक्ष को एप्लीकेशन लिखती है और उस पर ऐसे भर्तियाँ होती है, ये सारे प्रमाण मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब जो शहीदों ने, जो वीर चंद्र गढ़वाली ने, इंद्रमणि बड़ौनी ने सपना देखा था, आज उस सपने को इन नेताओं ने तार तार कर दिया, और एक व्यक्ति शामिल नहीं है, कांग्रेस के वो सहयोगी, UKD के वो सहयोगी, भाजपा का तो पूरा इसमें कच्चा चिट्ठा सामने आ गया है। मतलब आप मनीष सिसोदिया पे CBI कर सकते हो, ED का छापा मार सकते हो, संजय राउत पे कर सकते हो, राहुल गांधी पे कर सकते हो, सोनिया गांधी पर कर सकते हो, लेकिन प्रेमचंद्र अग्रवाल जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, उस पर आप सब मुंह पर चैन लगा करके बैठ गए हैं। तो मेरा मानना ये है कि इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, CBI की इनके खिलाफ जाँच होनी चाहिए, और जो भी इसमें अलीबाबा 40 चोर जो भी शामिल है, क्योंकि पूरा कैबिनेट शामिल है, सारे विपक्षी लोग शामिल है, हरीश रावत इस पर मौन है, और जो भाजपा की गोद में जाकर के बैठ गए पूर्व CM के कैंडिडेट, वो कर्नल अजय कोठियाल इस पर चुप्पी साध के बैठ गए हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि जो भी इसमें शामिल है, सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और वित्त को अगर बचाना है, उत्तराखंड का वित्त कोष लुटेरों से, चोरों से बचाना है, तो प्रेमचंद्र अग्रवाल इस्तीफा दें। कल हम सब युवा प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके आवास के बाहर धरना देंगे, आंदोलन भी करेंगे।